A very good evening to all my dear students and welcome to Online Ventures by Example. Myself Chandan Roshan, your mentor, and I welcome you all on this important session of today's evening. सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इवनिंग सेशन में. मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों का वेलकम करता हूँ आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली कनेक्ट विद द क्लास ताकि मैं आज के इस सेशन को स्टार्ट कर सकूँ. जय हिंद, नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम टू द सेशन. चेतन यादव जी, जय हिंद एंड वेलकम टू द क्लास. आकांक्षा तिवारी, जय हिंद एंड प्लीज वेलकम टू द क्लास. मिहिर राय, वेरी गुड इवनिंग. पूजा, हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. मोस्ट वेलकम टू द क्लास, मोस्ट वेलकम टू द सेशन. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली कनेक्ट विद द क्लास एंड डू द नीडफुल. सभी लोग फटाफट आज के सेशन को ज्वाइन करो ताकि मैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट कर सकूं. सभी लोग फटाफट एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए. जितने लोग लाइव है बेटा, प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लो. चलिए, तो आज से हम लोगों ने दो चीजें स्टार्ट की है. आपको सारे YT सेशंस के टाइमिंग के बारे में पता होगा पहले से, ठीक है ना. तो 3 बजे मेरी क्लास ज्योग्राफी की हो रही है और 5 बजे स्टैटिक GK, ठीक है ना. तो स्टैटिक GK में हम लोग क्वेश्चंस बेसिस पे करेंगे और जो ज्योग्राफी क्लास है वो कॉन्सेप्चुअल चल रही है. चलिए, एक बार सबसे पहले हम लोग समझ लें, आज 10 मई है और ये आखिरी दिन है आप लोगों के सब्सक्रिप्शन के लिए परिवर्तन 2.0 में, जिसमें 70+ कोर्सेज आपको 1 साल के वैलिडिटी के साथ दी जा रही है एग्जामपुर के द्वारा. इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए, अवेल करने के लिए आप आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को, पहली चीज तो ये. और आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9873111552 पे और व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448116245 पे. ये जो परिवर्तन 2.0 में 70+ कोर्सेज है, इसमें सभी डिफेंस एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया है. NDA, FCAT, एयरफोर्स XY ग्रुप, CAPF, नेवी SSR, नेवी AA, CDS, नेवी MR और साथ में UPSI, रेलवे, SSC, बैंकिंग, TET और अदर स्टेट एग्जाम्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर्स. अच्छा, इसमें 2020-21 की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं केवल उन्हीं को इंक्लूड किया गया है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिनेमा थ्रू रास, अ ट्रिस्ट विथ मास्टरपीसेस इन द लाइट ऑफ रस सिद्धांत और द रास सिद्धांत. ये जो बुक है सिनेमा थ्रू रास लीला, समझते हो आप, अ ट्रिस्ट विथ द मास्टरपीसेस इन द लाइट ऑफ रस सिद्धांत, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा, प्रचंड प्रवीर के द्वारा, प्रचंड प्रवीर अनीता देसाई के द्वारा या अरविंद अडिगा के द्वारा, ये सवाल पूछा गया है. ऑथर ऑफ द बुक सिनेमा थ्रू रास, अ ट्रिस्ट विथ मास्टरपीसेस इन द लाइट ऑफ रास सिद्धांत, इस बुक को इनमें से किनके द्वारा ऑथर किया गया है, किनके द्वारा लिखी गई है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है. और जितने लोग लाइव हैं सभी लोग इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और बुक्स एंड ऑथर्स एक ऐसा सेक्शन है मेरे भाई जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाती हैं एग्जामिनेशंस में, 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है. तो सभी लोग फटाफट रिप्लाई करो मुझे क्या लग रहा है. देखो, अनीता देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इसके लिए फेमस है, व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा है, शशि थरूर बहुत फेमस बुक है, इनकी बहुत सारी बुक्स है जिसमें की वर्सटाइल आदमी है ये. लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, प्रचंड प्रवीण. आप देखो, ये जो प्रचंड प्रवीण, उन्होंने अपने बुक सिनेमा थ्रू रास में, ट्रिस्ट विथ मास्टरपीस इन द लाइट ऑफ रास सिद्धांत, हैज ट्राइज टू ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन थिएटर एंड फिल्म्स, यानी कि फिल्म्स और जो थिएटर आर्टिस्ट है उनके बीच में एक समानता लाने की कोशिश की है. इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है, ड्रामा ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, गिव्स देम करेज, एंटरटेन देम, ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू देयर लाइव्स एंड आल्सो काउंसल्स देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड. उन्होंने कहा है कि जो ड्रामा है, जो नाट्य है, ये जो लोगों को है एक साथ जोड़ती है, लोगों में करेज पैदा करती है, लोगों को एंटरटेन करती है, हैप्पीनेस लाती है लोगों के जीवन में, और साथ ही साथ जब जरूरत पड़ती है तो लोगों में की काउंसलिंग का भी काम करती है ये. अगला सवाल ये है, द वाइस प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक नीली मरनी माई मदर माई हीरो, हु इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक किताब का विमोचन किया है, नीली मारनी माई मदर माई हीरो, हु इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, इज इट अचित्य समानता, इज इट इति समानता,
इज इट जगी मंगत पांडा या फिर सुब्रतो बागची? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. हु हैज ऑथर्ड द बुक नीली मारनी, माई मदर, माई हीरो? एक बार सभी लोग इसको आंसर जरूर कीजिएगा. देखो अटेम्प्ट तो जरूर करो, आता है नहीं आता है वो अलग बात है, बट वी मस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ठीक है ना, इसका क्या आंसर हो जाएगा ये पूछा गया है. सभी लोग एक बार रिप्लाई जरूर कीजिए, और जो लोग लाइव है बेटा सभी लोग क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना. इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आप क्या बताओगे? ए इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन. देखिए इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को, नीलमणि द मदर ऑफ डॉक्टर अचिंत्य समानता वॉज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग विद सम एक्सटर्नरी ड्रीम्स एंड विजन टू हेल्प सोसाइटी. ये जो डॉक्टर अचिंत्य समानता है, इनकी जो माता थी नीली मारनी, वो एक ऐसी लड़ी थी जो चाहती थी कि उनका एक विजन था कि समाज को किस तरीके से हेल्प किया जाए, समाज को किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, ये उनका अपना हमेशा से एक सपना रहा है. ठीक है ना, तो उसी पे आधारित ये बुक है. हर आइडियोलॉजी पुट अ डीप इम्पैक्ट ऑन डॉक्टर समानता फॉर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी. और उनकी माता का जो सपना था, ऑब्जेक्टिव था, उन्हीं ने इनको कुछ समाज के लिए करने के लिए प्रेरित किया. लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, नीली मारनी कुड डेवलप अ स्मॉल रिमोट विलेज इनटू अ स्मार्ट विलेज एंड मनापुर इनटू अ स्मार्ट पंचायत. मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर अचिंत्य समानता की जो माँ थी, उनका जीवन बहुत संघर्षों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बहुत छोटे से गांव जिसका नाम है मनापुर, उसको एक स्मार्ट पंचायत में डेवलप किया. सी हैड ऑलवेज बीन इंसिस्टिंग डॉक्टर समानता फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर नेटिव विलेज कलर बांका इन द मेन थीम ऑफ द बुक. और इस पुस्तक में उन्होंने अपने बेटे को हमेशा से इंसिस्ट किया था कि वो जिस गांव में उनका जन्म हुआ है, नेटिव विलेज कलर बांका में, उसको क्या करें, वो डेवलप करें. तो ये जो पूरी स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है? नीलमणि, जो डॉक्टर अचिंत्य समानता की माँ है, उनके सपनों पर आधारित. द बुक अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर. द बुक अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, बहुत बड़ी गजल सिंगर थी बेगम अख्तर, हैज बीन पब्लिश्ड टू ट्रिब्यूट द लेजेंडरी सिंगर. विच सिंगिंग कम्युनिटी डिड सी बिलोंग टू? यानी कि सवाल ये पूछा गया है कि जो बेगम अख्तर हैं, ठीक है ना, उनके जीवनी पर, उनके जीवन पर एक बुक लिखी गई है अख्तरी, ठीक है ना, और ये जो पूछा गया है कि वो किस गाने वाले समुदाय से बिलोंग करती थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है. देरावली, लखनवी, तवायफ या इनमें से कोई नहीं. जो बेगम हजरत सॉरी नॉट हजरत महल बेगम अख्तर जो है, ये किस तरह के घराने से संबंध रखती थी, ये पूछा गया है. देरावली से, लखनवी से, तवायफ घराने से या नन ऑफ दीज? हाँ बिल्कुल, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और रिप्लाई जरूर करो. सभी लोग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन. ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, दैट इज द तवायफ. उद्यन मित्रा ये पब्लिशर हैं एट हार्पर कॉलिंस इंडिया. उन्होंने पब्लिश किया है बुक अख्तरी को, जो कि अल्टीमेट ट्रिब्यूट है बेगम अख्तर को, जिसमें बहुत सारे एसेज हैं उनके लाइफ और म्यूजिक के ऊपर, उनको याद करते हुए उनके जो वेल नोन इंटरव्यूज हैं उसको इस पर्टिकुलर बुक में क्या किया रखा गया है. ठीक है ना, अख्तर बाई फैजाबादी और बेगम अख्तर, उनका पूरा नाम क्या था? अख्तर बाई फैजाबादी या फिर उनको बेगम अख्तर कहते हैं. शी वॉज बेटर नोन एज अ लेजेंड इवन ड्यूरिंग हर ओन लाइफ. पूरे जीवन में वो एक लेजेंड के रूप में जी थी. ठीक है ना, ग्रेट सिंगर्स फ्रॉम द तवायफ कम्युनिटी, बहुत अच्छी सिंगर थी. आपने कभी सुना है बेगम अख्तर को? दो पैग लगा के सुनो बेगम अख्तर को, अलग ही मजा देगा. ठीक है ना, और अख्तरी जो है इसमें लॉन्ग कन्वर्सेशन है आचार्य कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति का बेगम अख्तर के साथ, और इसमें बहुत सारे, ठीक है ना, उनके जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. हु हैज ऑथर्ड द बुक उड़ीसा इतिहास? उड़ीसा इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ दास, नंदनी सतपति, बीरेन मित्रा, ठीक है ना, या फिर हरे कृष्ण महाताब, ये पूछा गया है. हु हैज ऑथर्ड द बुक उड़ीसा इतिहास? प्लीज गो फॉर द आंसर. ये जो उड़ीसा इतिहास नामक पुस्तक है, ये जो बुक है, इसकी लेखक कौन है? विश्वनाथ दास, नंदनी सतपति, बीरेन मित्र या मित्रा या फिर हरे कृष्ण महताब. कल के क्लास से मैं आपको इंडिया सुपरलेटिव स्टार्ट कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को. आपसे पूछा गया है कि जो उड़ीसा इतिहास नामक बुक है, इसको इनमें से किसके द्वारा पेन डाउन किया गया है? विश्वनाथ दास के द्वारा,
नंदनी सतपथी के द्वारा, बीरेन मित्र के द्वारा या हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, सभी लोग फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। जितने लोग लाइव है सेशन में, प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो अगर उड़ीसा इतिहास नामक पुस्तक की बात करें कि इसको लिखा किसने है, तो आपको ध्यान रखना है नंदनी सतपथी ने। किसने? नंदनी सतपथी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलीज किया है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक, इसका हिंदू अनुवाद उड़ीसा इतिहास, इसको लिखा है उत्कल केसरी, डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब, ठीक है ना, जो कि एक नोटेबल फिगर है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ये चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के 46 से 50 तक और 56 से 61 तक। इन्होंने लिखा था उड़ीसा इतिहास अहमदनगर फोर्ट जेल में जब वो इम्प्रिजेंट थे 2 साल के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इसको ध्यान रखना है। उड़ीसा इतिहास का ट्रांसलेशन किसने किया है? नंदनी सतपथी ने। Who has penned the book India's Power Elite? India's Power Elite Class, Caste and Cultural Revolution. India's Power Elite, ठीक है ना? यानी कि भारत के जो बड़े रसूख वाले लोग हैं उनके हिसाब से ये बुक है। Who has penned the book India's Power Elite Class, Caste and Cultural Revolution? अरविंद अडिगा ने, संजय बारू ने, चित्रा बैनर्जी दिवकारुणी ने, या डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। The question is who has authored the book India's Power Elite, Class, Caste and a Cultural Revolution? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। इस बुक को लिखा गया है उस व्यक्ति के द्वारा जो कि मीडिया एडवाइजर थे, मीडिया सलाहकार थे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनके ऊपर एक मूवी भी आई है, ठीक है ना। ही हैज बीन द, यू कैन सिंपली से द मीडिया एडवाइजर टू द पीएम, टू द एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ये क्या थे? मीडिया एडवाइजर थे। उनका नाम बताओ। बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, संजय बारू। संजय बारू ने लिखी है इंडियाज पावर एलीट क्लास कास्ट एंड कल्चरल। संजय बारू ने कैप्चर किया है चर्न ब्रॉट अबाउट द 2014 जनरल इलेक्शन, द राइज ऑफ द बीजेपी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोशल एंड कल्चरल लैंडस्कोप। 2014 के जो आम चुनाव में पूरी तरीके से बीजेपी का एक तरीके से उदय हुआ और उसके राइज के बाद जो इम्पैक्ट रहा है सोशल और कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल पे, उसके ऊपर The ascent of the Prime Minister Narendra Modi in the national arena has disrupted politics as we knew it. The dominance of Modi and that of the BJP over the political discourse and the elections, both national and assembly, sometimes winning a state even when the party had no footprint there, has dismantled coalition politics that was prevalent over the last 30 years. इस पूरे बुक में, जिसमें तो powers elite की बात की, उसमें दिखाया गया है कि Mr. Modi कितने powerful पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभरे 2014 के जनरल इलेक्शंस के बाद, और उनके द्वारा वो जो एक वेव लाया गया, मास वेव लाया गया, उस मास वेव में बहुत सारे ऐसे स्टेट भी थे बीजेपी के द्वारा जिसको जीता गया है, जिसमें उनका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। तो बीजेपी की सक्सेस स्टोरी, नरेंद्र मोदी की सक्सेस स्टोरी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नरेंद्र मोदी का आप कह सकते हो जो इम्पैक्ट रहा है इंडिया के मास में फॉलोइंग को लेकर के, आज भी सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक माने जाते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। एन इंडियन क्रिकेटर हैज रिटन हिज मेमोआ, बिलीव, इसको मेमोआ प्रोनाउंस करते हैं, इट्स नॉट द मेमोयर, इट्स द मेमोआ। एन इंडियन क्रिकेटर हैज रिटन हिज मेमोआ, बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी एंड हु इज दैट क्रिकेटर। ये किस क्रिकेटर का एक जीवनी है, मेमोआ है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है बिलीव? इज इट विराट कोहली? इज इट MS धोनी? इज इट सुरेश रायना? और इज इट रोहित शर्मा? Believe what life and cricket taught me. Please go for the answer. हाँ, second wave भी लेकर के वही आए हैं। ये impact है मोदी का कि COVID भी उन्हीं की देन है। यार ऐसे मत कहो, आप अपने statesman को, अपने PM को इस तरीके से नहीं कह सकते कि COVID के लिए he is only responsible। ऐसा आप नहीं कह सकते। खैर, ये अपनी अपनी पसंद है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, जितने लोग लाइव हो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करो और शेयर करो। ध्यान रखिएगा, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जो कि मेमोआ है किसके नाम से? बिलीव के नाम से। इसको लिखा गया है किसके द्वारा? तो आप बताओगे सुरेश रायना। किसके द्वारा? सुरेश रायना के द्वारा। उन्होंने इस बुक को लिखा है। इस बुक में सुरेश रायना ने टेक्सस थ्रू द चैलेंजेस ही फेस्ड एज अ यंग क्रिकेटर, मतलब एक यंग क्रिकेटर के रूप में उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अपने लाइफ में। ही वॉज बुलीड इन स्कूल एंड अ क्रिकेट कैंप्स, but he always punched above his weight, overcoming every adversities of life that threw him
and never given up. This is the story of lessons he learned and the friendship he built. मतलब अपने पूरे स्कूल डे से लेकर के वन डे इंटरनेशनल या इंटरनेशनल क्रिकेट तक के पूरे जर्नी को उसमें क्या क्या स्ट्रगल थे, क्या क्या उनको ताने सुनने पड़े स्कूल्स लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे, उन सबको कैसे उन्होंने उन हर्डल्स को ओवरकम किया एंड हाउ ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट, उस स्टोरी को रखा गया है बिलीव में, ठीक है, जो लिखा गया है सुरेश रायना के द्वारा. चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जेके राउलिंग हैज रिसेंटली रिटन अ बुक द क्रिसमस पिग. Which one of the following book is not written by the critically acclaimed writer? आपको बताना है कि इन चार में से वो कौन सी बुक है जिसको जेके रॉलिंग के द्वारा नहीं लिखा गया है. Fantastic Beasts, Where to Find Them, To Kill a Mockingbird, The Cuckoo's Calling, The Ichabod. इसमें से वो कौन सी बुक है जो जिसको कि लिखा नहीं गया, which has not been authored by, you can simply say, जेके रॉलिंग. जेके रॉलिंग के दौरान इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो नहीं लिखी गई है. फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, द कुकूज कॉलिंग, द इकाबॉग. प्लीज गो फॉर द आंसर. जेके रॉलिंग इज बेस्ट नोन फॉर द हैरी पॉटर सीरीज अनडाउटेडली. आप क्या बताओगे? टू किल अ मॉकिंगबर्ड, इट्स द बी ऑप्शन. ये वो बुक है जिसको नहीं लिखा. इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द Harry Potter fantasy series, which has won multiple awards and sold more than 500 million copies, becoming the best-selling book series in the history. Rowling has lived a riches-to-riches life in which she progressed from living on benefits to being named the world's first billionaire author by the Forbes. मतलब अपने एक struggling life से कैसे उन्होंने अपने आप को established author के रूप में establish किया ये बताया गया है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर. और साथ ही साथ बता दूं कि फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा उनको विश्व का सबसे ज्यादा पैसे वाला ऑथर ही बताया गया था. इसको ध्यान रखना है. जितने लोग लाइव हैं एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस. ठीक है ना, वेंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस. इस बुक को किसने लिखा है? पेगी मोहन ने, रोहिंटन मिस्त्री ने, फ्रेनी इलेविया ने या सलमान रस्ती ने? Who has authored the book Wanderers, Kings, Merchants, The Story of India Through Its Languages? The Story of India Through Its Languages. इस बुक को किसने लिखा है? पेगी मोहन ने, रोहिंटन मिस्त्री ने, फ्रेनी इलेविया ने या सलमान रस्ती ने? प्लीज गो फॉर द आंसर. ऑल ऑफ यू, थोड़ा स्टैटिक जीके इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं मेरे भाई, तो आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लाओ सेशन में. जब तक आप लोग इंटरेस्ट नहीं लाओगे, जब तक आपकी संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक मुझे भी मजा नहीं आएगा. तो प्लीज सेशन को शेयर करते रहिए आप लोग. तो ए विल बी द आंसर, पेगी मोहन. आपको ध्यान रखना है वैंडरर्स किंग्स मर्चेंट जो स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस, इसको लिखा गया है नोटेड लिंग्विस्टिक, एक बहुत बड़े आप कह सकते हो भाषा के विख्यात पेगी मोहन के द्वारा. द बुक डेल्विंग इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया रिवील्स हाउ migration both external and internal has saved both Indians and Indies languages from the ancient times. मतलब ये कहा गया है कि पहले के जमाने में ancient times में जो लोग घुमा करते थे एक देश से दूसरे देश में, ये जो migration होता था South Asia में, तो उस कारण से जो external और internal दोनों रूप से जो Indian languages का development हुआ है ancient times में, उसके बारे में ये सारी story बताती है wanderers, kings, merchants, the story of India through languages. इसको ध्यान रखना है. What is the centric theme of the recently penned book, The Living Mountain of Amitabh Ghosh? अभी एक बुक लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा, The Living Mountain. He is one of the renowned author in India. इसमें कहीं doubt नहीं है. अमिताभ घोष, The Sea of Poppies, बहुत famous book है इनकी. The Living Mountain of Amitabh Ghosh. इस बुक का जो theme है वो किसके ऊपर केंद्रित है? ये एक biography है. It is related to the women empowerment, महिला सशक्तिकरण से संबंधित बुक है. Environment exploitation, यानी कि जो पर्यावरण दोहन है उसके ऊपर है, या गॉथिक. व्हाट द दिस बुक इज ऑल अबाउट. अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, क्या करोगे? अब देखो, जब बात हो रही है लिविंग माउंटेन के बारे में, तो इसका सीधा आंसर आप रिलेट कर सकते हो इन ऑप्शन से कि ये किससे रिलेटेड होगा. एनवायरनमेंट एक्सप्लॉयटेशन से. किससे है? एनवायरनमेंट एक्सप्लॉयटेशन से.
ज्ञानपीठ विनर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर अमिताभ घोष ने भी लिखा है बुक द लिविंग माउंटेन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अभी इस महामारी के वक्त में उन्होंने इस किताब को लिखी है और ये किसके ऊपर है, ओवर द ईयर्स ह्यूमंस हैव एक्सप्लॉयटेड नेचर व्हिच इज लीडिंग टू एन एनवायरमेंटल क्राइसिस। यानी कि दशकों से सदियों से जो मानव ने इस एनवायरमेंट के साथ ठीक है ना खिलवाड़ किया है उसका हमारे जीवन पर क्या असर है, हमारे पर्यावरण पर क्या असर है उसके बारे में ये एक स्टोरी है। महापर्वत द लिविंग माउंटेन एंड इंडिजिनस वैली ड्वेलर्स हु लिव नियर द माउंटेन, ये कहानी है उन लोगों के बारे में जो एक माउंटेन के आसपास में रहते हैं और कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण जो डिजास्टर हुआ उसने वहां पर रहने वाले लोगों के लाइफ को क्या किया, चेंज कर दिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस किताब के लेखक कौन है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, थॉमस सी कैट्सुलास, रॉबर्ट एनी, अनिंद्या दत्ता या फिर सुनी तारापुरवाला। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस बुक को किसने लिखा है, थॉमस सी कैट्सुलेस ने, रॉबर्ट एनी ने, अनिंद्या दत्ता ने या सुनी तारापुरवाला ने, एडवांटेज इंडिया, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। और प्लीज जितने लोग लाइव हैं एक बार अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो इट्स द अनिंद्या दत्ता, ये ध्यान रखना है, कौन अनिंद्या दत्ता है आपको ध्यान रखना है। ये जो बुक है ये एक्सटेंसिव हिस्ट्री है इंडियन टेनिस का, बोथ मेन एंड वेमेन साइड, ये डिटेल रिसर्च किया गया अनिंद्या दत्ता के द्वारा उन सभी डेटास के ऊपर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ब्रिटिश न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए गए हैं लास्ट 200 साल के। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि इंडियन टेनिस बोथ मेन टेनिस और वुमेन टेनिस के हिस्ट्री के ऊपर इस बुक को 200 साल के डेटा को रिसर्च करने के बाद पेन डाउन किया गया है अनिंद्या दत्ता के द्वारा, प्लीज डू रिमेम्बर दैट। द डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रियम्फ इज रिटन बाय अनंत विजय। स्मृति ईरानी इज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या सवाल है। ये जो बुक है द डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, समझिए इस बात को, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रियम्फ इज रिटन बाय अनंत विजय, इट्स रिटन बाय ट्रायम्फ भी प्रोनाउंस करते हैं ट्रायम्फ, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ इज रिटन बाय अनंत विजय एंड स्मृति ईरानी इज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, इज इट रायबरेली, is it Amethi, is it Meerut or is it Mirzapur, please tell me about this. She defeated Rahul Gandhi, just don't forget about that, and she is from which of the following constituency of India, is it Rai Bareli, is it Amethi, is it Meerut or is it Mirzapur, please go for the reply. Sabhi log fatafat batao kya hona chahiye iska answer. Hanji UP walo bahut maje le rahe the abhi, sabhi log jo live hai beta please ek baar session ko like aur share karo. Ye kya hoga, Amethi se hai, ठीक है ना। ये जो बुक है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, इसमें यूनियन मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी है उनकी पूरी जर्नी है, जब वो 2014 में इलेक्शन हार गई थी ठीक है ना अमेठी में उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी से, और 2019 की लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने हराया है राहुल गांधी को, ठीक है ना। ये एक हिंदी बुक है जिसको दिसंबर 2020 में पब्लिश किया गया था, और एज ए स्टडी ऑफ आरएसएस वर्किंग स्टाइल, इस बुक को आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो काम करती है ग्रास रूट लेवल पे अपने पॉलिटिकल लोगों के लिए, ठीक है ना, उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं ठीक है ना, और किस तरीके से वो ग्राउंड लेवल पे काम करके ठीक है ना अपने पॉलिटिकल फिगर्स को आगे लेकर के जाती है। और ये सेकेंड टाइम था कि ईरानी ने कंटेस्ट किया था राहुल गांधी के अगेंस्ट अमेठी से, 2014 में राहुल गांधी ने लगभग 400,000 वोट से हराया था। राहुल को 408,000 वोट मिले थे और ईरानी को 300,000 वोट मिले थे। Which Indian minister has launched the book The Green Queens of India, A Nation's Pride? इसमें से किस मंत्री के द्वारा विमोचन किया गया है एक पुस्तक The Green Queens of India, A Nation's Pride? The Green Queens of India, A Nation's Pride book has been launched by which of the following minister? Is it Piyush Goyal? Is it Smriti Irani? Is it Ramesh Pokhriyal? Or is it Prakash Javedkar? Please go for the answer. Which Indian minister has launched the book The Green Queens of India, A Nation's Pride? The Green Queens of India, A Nation's Pride. Isko kiske dwara
आप कहोगे कि भाई लॉन्च किया गया है. प्लीज गो फॉर द आंसर. हाँ, नंदीग्राम से भी अब बुक लॉन्च होगा, वो तो फैशन है पॉलिटिशियंस का. क्या करोगे आप लोग? तो आप क्या बताओगे इसमें? प्रकाश जावेदकर जी. क्या नाम है? प्रकाश जावेदकर ने, जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावेदकर, इन्होंने लॉन्च किया एक ए बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक ऑन द वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे. जो महिला वन अधिकारी हैं, काम करती हैं फॉरेस्ट रेंजर्स के रूप में, उनके ऊपर ये बुक लॉन्च किया गया है प्रकाश जावेदकर के द्वारा. जावेदकर ने एक्सप्रेस किया है दैट दिस ई बुक विल हेल्प इंसेंटिवाइज एंड फर्दर मोटिवेट द यंग ब्रिगेड एंड ऑल्सो मोटिवेट स्कोर्स ऑफ यंग वुमेन अक्रॉस द कंट्री हु एस्पायर टू लिव एंड वर्क विद नेचर एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर. यानी कि ये जो ई बुक है जिसको लॉन्च किया गया है एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर के द्वारा, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी यूथ लेडी है, जितनी भी यूथ गर्ल्स है इंडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रेरित हो, इंस्पायर हो टू सर्व एंड वर्क फॉर नेचर एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर. इसको आपको ध्यान रखना है. हु हैज पेंड द बुक? बांझ. इन कंप्लीट लाइफ ऑफ कंप्लीट वुमेन. बांझ दैट इज जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनको हम लोग सोसाइटी में कॉमन नाम बांझ से पुकारते हैं. तो ये जो बुक है बांझ, इन कंप्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, इसको किसके द्वारा पेन डाउन किया गया है? गुनगुन उपरी, सुष्मिता मुखर्जी, अदिति शर्मा या नन ऑफ दीज, नोटा. ये पूछा गया है बांझ इन कंप्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. बांझ द इन कंप्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वुमेन. ये जो बांझ है बेसिकली ये एक कलेक्शन है 11 शॉर्ट स्टोरीज का, 11 जो लघु कथाएं हैं, ठीक है ना, उसकी क्या है ये एक संग्रह है. इट्स द स्टोरी और इट्स द शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन ऑफ 11, या फिर हम कह सकते हैं 11 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसको 3 decades, पिछले 30 सालों में आप कह सकते हो जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, बींग अ बांझ, ये जो स्टिग्मा है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है. बिल्कुल सही कहा आपने, सुष्मिता मुखर्जी ने लिखा है इस बुक को. ये कलेक्शन है 11 लघु कथाओं का, शॉर्ट स्टोरीज का, जिसे ओवर 3 decades के ऊपर कंपाइल किया गया है. इसको ध्यान रखना है. इसमें कहा गया है कि बीट वुमेन लिविंग ऑन द सोसाइटीज फ्रिंजेस और दोज फ्रॉम द हाई एक्लॉन्स, ईच स्टोरी गिव्स अ यूनिक ग्लिम्स इनटू द लाइव्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स. द बुक इज नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द स्टोरीज इन इट, बांझ, व्हिच फॉलोज द लाइफ ऑफ रुक्मणी देवी हु इज इन एन अब्यूसिव मैरिज विद कुंवर चंद्रभान प्रताप सिंह. एक स्टोरी है रुक्मणी देवी और कुंवर चंद्रभान प्रताप सिंह के लाइफस्टाइल के बारे में कि व्हेन शी इज नॉट एबल टू डिलीवर अ बेबी तो क्या क्या स्टिग्मा उनको झेलना पड़ता है, उससे रिलेटेड है. चलिए अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, उससे पहले एक छोटा सा एड ब्रेक है ये कि परिवर्तन 2.0, इसमें जो 70 प्लस कोर्सेज आपको अवेल कराई जा रही है, इसकी वैलिडिटी 1 साल है. इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से. यू कैन मेक अ कॉल टू अस ऑन 9873111552 टू इंक्वायर अबाउट ऑल दीज कोर्सेज. और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8448116245 पे. ये जो परिवर्तन 2.0 है, इसमें जो 70 प्लस कोर्सेज हैं, इसमें सभी डिफेंस एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया है. लेट इट बी टी NDA, FCAT, एयरफोर्स XY, CAPF, नेवी के सभी वर्जन और सीरीज, साथ में UPSI, रेलवे, SSC, बैंकिंग, TET और अदर स्टेट एग्जाम्स को भी इसमें कवर किया जा रहा है. आपको बता दूं मैं कि ये जो 70 प्लस कोर्सेज का बुके है, जो ऑफर है एक साथ, ये आपको आज तक की वैलिड टिल 10th ऑफ मे. आप इस कोर्स को आज ही तक सब्सक्राइब कर सकते हो, इस पूरे सब्सक्रिप्शन मॉडल को. ये ध्यान रखना है. एक बार टाइम टेबल को नोट डाउन कर लो आप लोग. FCAT 2020 2021, इसमें जो डेली क्लास टाइम टेबल सुबह 8 से रात के 8 बजे तक, मंडे टू सैटरडे वोकैब लैडर अमित सर, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे जनरल स्टडीज अभिषेक अजय सिंह सर, मंडे टू फ्राइडे दोपहर 12 बजे मैथ्स विद दीपेंद्र सर, मंडे टू फ्राइडे 1 बजे इंग्लिश विद डॉक्टर अमित सर, फिर दोपहर 2 बजे रीजनिंग विद नेहा जोशी मैम, फिर शाम 3 बजे जनरल स्टडीज, ये मैं कराऊंगा आपको, ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, 4 बजे जनरल स्टडीज बाय कासिफ अंसारी सर, इसमें भी वो बहुत सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे हैं, 5 बजे स्टैटिक जीके, फिर मेरे साथ, शाम 6 बजे इस सेशन के तुरंत बाद जनरल साइंस जुबैर सर के साथ, और रात 8 बजे एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स विद कासिफ अंसारी सर, और साथ में वीकेंड स्पेशल क्लासेस भी आपको दी जाएंगी. चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हु हैज रिटन द बुक?
प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, इसको किसके लिखा गया है? शोभा थरूर श्रीनिवासन, खुशवंत सिंह, शशि थरूर या फिर रस्किन बॉन्ड? हु हैज रिटन द बुक, हु हैज रिटन द बुक प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा? प्लीज गो फॉर इट. राजा रवि वर्मा वॉज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट ऑयल पेंटर, ही वॉज अ ग्रेट ऑयल पेंटर राजा रवि वर्मा. सो प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, इट्स द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा. दिस इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल? शोभा थरूर श्रीनिवासन, खुशवंत सिंह, शशि थरूर और इज इट द रस्किन बॉन्ड? प्लीज गो फॉर द आंसर. इसका आंसर क्या होगा? शोभा थरूर श्रीनिवासन. प्लीज गो फॉर इट. द चिल्ड्रंस बुक टाइटल प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, इसको लिखा गया है ऑथर एंड पोएट शोभा थरूर श्रीनिवासन के द्वारा. ये बुक बेसिकली लिखा गया है टू इंस्पायर द यंग रीडर्स टू लर्न अबाउट द फेम्ड आर्टिस्ट एंड हाउ ही मेड हिज एंट्री एंड मार्क इन द आर्ट वर्ल्ड. ये बेसिकली जो लाइफ जर्नी रही है राजा रवि वर्मा की, उससे यूथ को इंस्पायर करने के लिखा गया है कि कैसे उन्होंने अपनी एंट्री को एक आर्टिस्टिक वर्ल्ड में लेकर के वो चले गए. ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है. जब अन्य बच्चे जो है वो बिजी थे प्लेइंग हॉपस्कॉच विद फ्रेंड्स, 7-year-old रवि वर्मा who was born on April 29, 1848 in a village in Kerala was painting on the walls of his house. जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेल में बिजी थे उस वक्त ये कैनवस की जगह वॉल पे पेंटिंग कर रहे हैं, और इनका जो लव था इस पेंटिंग के लिए, ठीक है ना, that was frowned up upon his elders, was nurtured by his uncle Raja Raj Verma who took him into the court of the Maharaja of Travancore to study and practice the art. इसको ध्यान रखना है. चलिए, my life in full, work, family and our future is a memoir of which eminent Indian personality? My life in full, work, family and our future is a memoir of which eminent Indian personality? Is it Ajay Banga? Is it Chanda Kochar? Is it Indira Noi? Or is it Kiran Majumdar Saw? Please go for the answer. Ajay Banga, Chanda Kochar, she has been the ex-MD and CEO for ICICI, Indira Noi PepsiCo, Kiran Mazumdar saw Biocon. My life in full, work, family and our future is a memoir of which eminent Indian personality? Please go for the answer. Is it Ajay Banga, Chanda Kochar, Indira Noi or Kiran Mazumdar saw? All of you please go for the reply. So this is about the Indira Noi. 65-year-old former PepsiCo CEO Indira Noi. इसे पब्लिश किया जाएगा सितंबर 2025 में बाय द पोर्टफोलियो बुक्स. और इसमें हर लाइफ फ्रॉम हर चाइल्डहुड इंडिया टू हर एक्सपीरियंसेस एज एन इमिग्रेंट एट येल यूनिवर्सिटीज बिजनेस स्कूल टू हर मेनी अचीवमेंट्स एज द रेयर वुमन एंड पर्सन ऑफ कलर इन द अपर एक्टिलियंस ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ये पूरी स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है इंदिरा नोई की, उनके बचपन से लेकर के और उनके येल बिजनेस यूनिवर्सिटी के पढ़ाई तक लेकर के, और साथ ही साथ जब उन्होंने अपने आप को वेल एस्टैब्लिश किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वो जो इलीट वुमेन्स हैं उनके बीच में इनकी क्या पहचान थी, उसको लेकर के ये सारा बुक है. द रिसेंट नोबेल अंडरटो बाय जानवी बारुआ इज प्लॉटेड इन विच स्टेट? अभी एक हाल ही में एक उपन्यास आया था अंडरटो बाय जानवी बारुआ, दिस इज प्लॉटेड, इसकी जो स्टोरी है वो किस स्टेट के ऊपर बेस्ड है? असम, बंगाल, पंजाब और केरल. द रिसेंट नॉवेल अंडरटो बाय जानवी बारुआ इज प्लॉटेड इन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इज इट ए असम, इज इट बेस्ड ऑन बंगाल, इज इट बेस्ड ऑन पंजाब और इट इज बेस्ड ऑन यू कैन से केरल? प्लीज गो फॉर इट. अंडरटो बाय जानवी बारुआ. यू सी दीज बारुआ, दे आर बेसिकली द एसमीज, दे आर बेसिकली द एसमीज. तो आप यहां से पता लगा सकते थे कि इनकी जो पूरी स्टोरी है अंडरटो की, वो किस पे बेस्ड है? असम के ऊपर है. ये रिग्रेट और रिकॉन्सिलिएशन है, हाउ द कॉन्फ्लिक्ट कास्ट इट्स शैडो ओवर जनरेशंस, कि कैसे एक रिग्रेट, ये बेसिकली ये एक रिग्रेट है और ये रिकॉन्सिलिएशन है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेशंस के ऊपर अपने छाप को छोड़ करके जाती है. ये इट्स अबाउट द रिग्रेट एंड द रिकॉन्सिलिएशन. लोया, a young elephant conservationist comes to visit her grandfather in Guwahati for the first time and she has never met
Torun before because her mother Rukmini was cast out of their family home for marrying her Malayali classmate. तो एक intercast marriage के ऊपर है, एक social boycott के ऊपर एक story है जिसको बनाया गया है Assamese plot पे. The vice president has launched the book Bringing Governments and People Closer. Who has written this book? Bringing Governments and People Closer. This particular book has been launched by the vice president of our country. Who has authored this book? Is it Pramod Kumar Mishra? Is it Ajay Kumar Bhalla? Is it Dr. M. Ramachandran? Or is it Rajiv Gauba? Governments and People Closer. Bringing Governments and People Closer. This is written by which of the following author? This is the question from. Okay, Vishal Chauhan. You are from Andaman. Okay. This is the Dr. M. Ramachandran. इसको ध्यान रखना है. Dr. M. Ramachandran is a 1972 batch UP cadre. IAS. He's a retired IAS. Dr. M. Ramachandran. And this is his 10th book. इनका रिटायरमेंट 2010 में हुआ था. उन्होंने बहुत सारे पोजीशंस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके कलेक्टर ऑफ रायबरेली में काम किया था. वो चीफ सेक्रेटरी थे उत्तराखंड के. ये सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है ना. और ये बुक बेसिकली एम्फेसाइज करता है ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन इज फेसिंग इन डीलिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिसेज इन गेटिंग डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स क्लियरेंसेज एटसेट्रा एंड वेरियस वेज टू डील विद दिस इश्यूज. यानी कि जो रेड टेपिज्म है, जो लाल फीताशाही है, कैसे एक आम आदमी को जद्दोजहद करना पड़ता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उसकी पूरी कहानी रख दी है निकाल करके डॉक्टर एम रामचंद्रन ने, जो कि चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे उत्तराखंड के और 1972 बैच के आईएएस ऑफिसर थे ये. हु ऑथर्ड द डायलॉग बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस. एक है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है. यहाँ पे बुक है कि डायलॉग बुक, डायलॉग का तो कन्वर्सेशन है ये बेसिकली. माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस किसने ऑथर किया है? कीर्ति नागपुरे ने, समीर सोनी ने, सीमा सचदेव खान ने, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना. हु हैज ऑथर्ड द बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस? प्लीज गो फॉर द आंसर. इस बुक को किसने लिखा है? माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस. प्लीज गो फॉर द रिप्लाई. ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई टू मी एंड दोज हु आर लाइव ऑन द सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द क्लास. इसको ध्यान रखिएगा आप लोग. तो समीर सोनी का नाम ध्यान रखना है. इन्होंने बुक लिखी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद द साइलेंस, ठीक है, इसको ध्यान रखना है. ये एंजाइटी और सेल्फ रीडिस्कवरी के ऊपर, डिस्कवरी के ऊपर, ये भी कंटेंप्लेशन के ऊपर ये बुक है. व्हाट इज सेंट्रिक कंसर्न ऑफ द बुक? नेम्स ऑफ द वुमेन बाय जीत थाइल. जीत थाइल ने एक बुक लिखी है नेम्स ऑफ द वुमेन. इस बुक का जो सारा कॉन्सेंट्रेशन, इसकी जो पूरी स्टोरी है, वो किस चीज के ऊपर सेंट्रिक है, किस पर आधारित है? रोमांस, ट्रेजेडी, मिस्ट्री या फेमिनिज्म? व्हाट द बुक नेम्स ऑफ द वुमेन बाय जीत थाइल इज ऑल अबाउट? ये जो बुक है नेम्स ऑफ द वुमेन, ये किस स्टोरी के ऊपर या किस थीम के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है? रोमांस, ट्रेजेडी, मिस्ट्री और द फेमिनिज्म? प्लीज गो फॉर द आंसर. टोटल 25 क्वेश्चन हैं, हम लोग अभी 19th क्वेश्चन पे हैं. ये किसके ऊपर बेस्ड है तो आप क्या बताओगे? फेमिनिज्म के ऊपर. किसके ऊपर है? फेमिनिज्म के ऊपर. ये एक फेमिनिस्ट रिटेलिंग ऑफ द न्यू टेस्टामेंट एंड इज नैरेटेड थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ लेशर नोन और सप्रेस्ड वुमेन फ्रॉम द गॉस्पेल्स. यानी कि जो सप्रेस्ड वुमेन है उनकी निगाहों से समाज को एक नए रूप से दिखाया गया इस बुक के अंदर. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन और द सिविलाइजेशन? Indians, A Brief History of a Civilization. It has been authored by which of the following? Who has authored this book? A Brief History of a Civilization. Ruskin Bond, Kiran Desai, Namit Arora or the Bikram Seth? Bikram Seth is known for the Golden Gates. Suitable Boy. Bahut famous book hai uski. Us pe ek movie bhi ban, web series bhi bani hai. Please go for the reply. Who is the author of the book Indians? A brief history of a civilization. This is the question for you. आप क्या बताओगे इसमें? नमित अरोरा. C is the correct answer. Who is or are the author of the book From Incremental to Exponential?
इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल, किसने लिखी है इस बुक को, फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल, विवेक वाधवा ने, इस्माइल आमला ने, एलेक्स सालवेकर ने, या इन सब ने मिलकर के लिखा है इस बुक को? ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल, क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ देम, इसमें सब ने मिलकर लिखा है। ये बेसिकली कहा गया है ओवर एंड ओवर, ये देखा गया कि जो बिग लेगेसी बिजनेस है वो कभी कभी एनर्जेटिक लिटिल स्टार्टअप्स के द्वारा उसका जो मोनोपोली उसको तोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है कि इनोवेशन जो है वो आ सकता है बॉटम से, बॉटम अप और फ्रॉम द आउटसाइड, बट टेक एक्सपर्ट्स लाइक विवेक बाधवा और इस्माइल आमला ये कहते हैं कि बिग इक्वल स्लो एंड स्टॉजी इज अ मिथ। Based on decades of experience working with both the world's leading brands and disrupted startups, this book explores the opportunity legacy companies have to create new markets, supercharge growth and remake their businesses. यानी कि ये एक comparative story है किसके बीच में, तो आप कह सकते हो established business houses के बीच में, और साथ ही साथ story of the startups की कैसे वो लोग compete करते हैं। 1232 किलोमीटर, 1232 किलोमीटर, the long journey home, this is the book of Binod Kapri, is the account of migrant labor's journey on road of which state? 1232 kilometer, the long journey home, it's a book of Binod Kapri and it basically tells about the story of the migrant labor's on the road from which state? Rajasthan, Bihar, UP or MP? ये किस राज्य के प्रवासी मजदूरों की कहानी है जिसको लिखा गया है विनोद कापरी की एक पुस्तक, ठीक है ना, द लॉन्ग जर्नी होम, 1232 किलोमीटर, 1232 किलोमीटर, लॉन्ग जर्नी होम, ये जो बुक है विनोद कापरी की जिसमें प्रवासी मजदूरों के कहानी को दर्शाया गया है, ये किस स्टेट के प्रवासी मजदूरों की कहानी है ये पूछा गया है? राजस्थान, बिहार, यूपी और एमपी। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर है, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, वो कहां से आते हैं? बिहार से। तो ऑब्वियसली स्टोरी किसकी होगी? तो आप बताओगे बिहार के मजदूरों की। इसको ध्यान रखना है। नेशन ने पहला साल मनाया है कोविड 19 पेंडेमिक का, इंक्लूडिंग लॉकडाउन। विनोद कापरी की जो बुक है 1232 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी होम, अ ट्रू अकाउंट ऑफ ह्यूमन ग्रीफ, ग्रिट एंड गम्प्शन, ये अकाउंट है जर्नी ऑन रोड फ्रॉम गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश टू सहरसा इन बिहार स्पेनिंग 1232। इसमें गाजियाबाद से सहरसा बिहार की रोड ट्रेवलिंग की स्टोरी है। ये स्टोरी है एक करेजियस सेवन मैन, लोगों की जो कि पुलिस की लाठियां खा के, इंसल्ट सुन करके, ठीक है ना, भूखे रह करके, एग्जॉस्टिव होकर के उन्होंने अपने घर के रास्ते को क्या किया था, तय किया था। वाइल्ड एंड विलफुल, टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज इज रिटन बाय, वाइल्ड एंड विलफुल, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज, इट इज रिटन बाय नेहा सिन्हा, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय या झुंपा लाहिरी। प्लीज टेल मी अबाउट दिस। Wild and Willful, it's the tale, that is the story of 15 iconic Indian species and this is written by which of the following? Is it A option Neha Sinha? Is it B option Vikram Seth? Is it C option Arundhati Roy? Or is it D option Jhumpa Lahiri? Wild and Willful, this is the tale of 15 iconic Indian species. Please go for the reply, everyone. फटाफट reply करो, आप लोग किसका होगा ये? तो आप बताओगे it's a book by नेहा सिन्हा। ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं नेहा सिन्हा, जिन्होंने लिखा है द बुक वाइल्ड एंड विलफुल, इन विच सी क्रॉनिकल्स द टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज। द बुक नेम प्लेस एनिमल थिंग्स इज रिटन थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ गर्ल, बॉय, एलियन और नन ऑफ दिस। द बुक नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, इसको लिखा गया है इनमें से किसके दृष्टिकोण से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नन ऑफ दीज। द बुक नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, इसको किस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, गर्ल, बॉय, एलियन या नन ऑफ दीज? प्लीज गो फॉर द आंसर। द बुक नेम प्लेस एनिमल थिंग्स,
इट हैज बीन रिटन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ विच वन यू कैन से अ गर्ल. वैसे भी वुमेन एम्पावरमेंट ही है. लिंडेम्स डेब्यू नॉवेल इज अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ अ यंग खासी गर्ल, खासी गारो खासी इन सम मेघालय इन सिलोंग ड्यूरिंग द अर्ली 2000s. Who is or are the author of the book Battle Ready for 21st Century? Battle Ready for 21st Century is a book which has been authored by Lieutenant General A.K. Singh, Brigadier Narendra Kumar. C is both A and B, and D is none of these. Who is or are the author of the book Battle Ready for 21st Century? Please go for the reply. Battle Ready for the 21st Century. This book is written by which of the following? Lieutenant General A.K. Singh, Brigadier Narendra Kumar. It's C option, both A and B, and it's the D option, none of these. The answer will be it's the C option, absolutely correct. This battle ready for the 21st century has endeavored to postulate and define emerging areas of conflict, desired capabilities, and doctrinal issues that need careful examination. इसको ध्यान रखना है. ऑथर इज मोर इंपॉर्टेंट. एक बार फिर से आप लोग एफकैट 2021 के वाईटी टाइम टेबल को समझो. मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 वोकैब लेटर अमित सर, मंडे टू फ्राइडे 10 AM जनरल स्टडीज विद डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह सर, मंडे टू फ्राइडे 12 PM मैथमेटिक्स विद दीपेंद्र सिंह सर, मंडे टू फ्राइडे 1 PM इंग्लिश विद अमित सिसोदिया सर, मंडे टू फ्राइडे 2 PM reasoning. This plays a very important role in the AFCAT examination, so don't forget to watch this particular session every day from Monday to Friday by Neha Joshi ma'am. Monday to Friday 3 PM general studies, it's me Chandan Roshan. I will be discussing the conceptual facts. Yahan pe main pura concept padha raha hu. Fir 4 PM general studies with Kasif sir, yahan bhi conceptual class hai. Monday to Friday 5 PM static GK, ye main lunga aapko daily Monday to Friday. मंडे टू फ्राइडे 6 बजे शाम को जनरल साइंस विद डॉक्टर जुबैर एहसानी सर, मंडे टू फ्राइडे 8 PM करंट अफेयर्स विद कासिफ अंसारी सर, और फिर सैटरडे संडे वीकेंड स्पेशल क्लासेस. और फिर एक बार देखो ये जो परिवर्तन 2.0 है इसमें 70+ कोर्सेज आपको ऑफर की जा रही है एक साल की वैलिडिटी के साथ. इन कोर्सेज को अवेल और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आप लोग एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और इन कोर्सेज के बारे में इंक्वायर करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9873111552 पे, and you can also WhatsApp us on 8448116245. ये जो परिवर्तन 2.0 है इसमें 70+ courses जो हैं वो available हैं आपके पास. इसमें सभी defense exams की classes को भी cover किया गया है. It includes NDA courses, FCAT, Air Force, XY, CAPF, Navy के सभी exams और series, साथ में UPSI, Railway, SSC, Banking, TET और other state exams को भी cover किया गया है. तो आप लोग हमें follow कर सकते हो इस ऑनलाइन बेंचेस बाय एग्जामपुर को यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे. सो प्लीज सभी क्लासेस को अटेंड कीजिए, अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाइए, और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए इस पैंडेमिक में. आप अपने घर वालों के साथ बिल्कुल सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और बिल्कुल बाहर निकलने की कहीं कोई जरूरत नहीं है जब तक कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो जाए, ठीक है ना. तो प्लीज बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और सेशंस को एंजॉय करते रहिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल शाम 3 बजे इसी चैनल पे ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड. थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर.